हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिदु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो हम रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें हम कर रहे हैं सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन पेपर को। तो 2017 का क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। 30 क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए थे, बाकी के बचे हुए आज मैं कराने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट कनेक्टेड बाय नेशनल हाईवे नंबर 15। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है? तो बाकी के तीन जो शहर हैं वो जुड़े हुए हैं NH-15 के द्वारा, लेकिन एक जो स्थान है वो अलग है इनसे, बाकी तीनों से। तो इसमें आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। तो जो सी ऑप्शन है हनुमानगढ़, ये नहीं जुड़ा हुआ है NH-15 से, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड सॉफ्ट वाटर लेक इन राजस्थान। तो बात की जा रही है कृत्रिम लेक की, मतलब कृत्रिम झील की, जो नेचुरल नहीं है, मानव ने बनाई है। और ये बात की जा रही है मीठे पानी की झील और सबसे बड़ी झील जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसमंद, बी ऑप्शन। तो इसका दूसरा नाम भी है, इसे धैबर भी कहते हैं। और ये मीठे पानी की, अगर ऑल इंडिया की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट झील है, फर्स्ट नंबर की है गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवोटीज ऑफ विष्णु वर नोन एज, विष्णु के भक्त कहलाते थे। तो विष्णु के भक्त क्या कहलाते थे? इसका आंसर हो जाएगा अलवार। बाकी बात की जाए नयनारों की, तो ये थे शिव भक्त, मतलब शिव के जो भक्त थे वो कहलाए नयनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स मैंशन द 16 महाजनपदास इन एंशेंट इंडिया इज फोन्ड। तो निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो किस में उल्लेख है? ये उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड नेम ऑफ द रिवर रावी ईवाज। तो रावी जो नाम है ये नया नाम है इस नदी का, इसे पहले किसी और नाम से पुकारा जाता था, तो इसका जो पुराना नाम है वो है परुष्णी कह सकते हैं, या फिर एक और नाम है इसका इरावती। तो परुष्णी या इरावती ये नाम थे इसके, जो पुराने नाम थे रावी नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द कैपिटल ऑफ शूरसेन जनपदावाज, शूरसेन जनपद की राजधानी थी। तो इसकी राजधानी थी मथुरा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट राजस्थान फाइनली फॉर्म्ड ऑन। तो बात की जा रही है फाइनली कब फॉर्म हुआ। ये वैसे तो अस्तित्व में आया 30 मार्च 1949 को, लेकिन फाइनली अगर बात की जाए तो ये हुआ था फॉर्म 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सोशल पेडागोजी का क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, सोशल स्टडीज़ इज टॉट एज। तो किस लेवल पर शिक्षण किया जाता है इसका? ये किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, सेकेंडरी लेवल पर, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव्स इन एजुकेशन इज गिवन बाय। सो नो डाउट इट इज़ B.S. ब्लूम, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया है ब्लूम के द्वारा, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ करिकुलम इंक्लूड्स, तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है।
तो क्या शामिल है पाठ्यक्रम जो भी होता है करिकुलम उसके क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तो इसमें देखिए विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं इसमें दोनों आ जाएंगी, क्योंकि देखिए कुछ क्रियाएं विद्यालय के अंदर होती हैं और कुछ क्रियाएं होती हैं बाहर। जैसे आप किसी प्लेस की विज़िट कराए हैं तो वो बाहर ही हो गई एक तरह से, लेकिन आएगा तो वो पाठ्यक्रम के अंदर ही। तो इसमें दोनों तरह की एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। सी ऑप्शन इसमें होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन की पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो इसमें ऑब्वियस सी बात है विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। जो भी पाठ्य पुस्तक होती है सोशल स्टडीज़ ही क्यों, बाकी टेक्स्ट बुक की भी अगर बात करें तो वो होनी चाहिए विद्यार्थी के अनुरूप। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज टीचर इज टेलिंग द सिक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन क्लासरूम, शी इज़ यूजिंग द टेक्निक ऑफ। तो सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है। तो वो कौन सी प्रविधि का प्रयोग कर रही है, एक तरह से मेथड की अगर हम बात करें तो, टेक्निक की बात करें तो वो कर रही है बी ऑप्शन नरेशन। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? देखिए क्वेश्चनिंग तो कर नहीं रही है, वो एक प्रक्रिया बता रही है, वो भी क्रमिक प्रक्रिया। तो परिचर्चा भी नहीं हो रही है क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं हैं, टीचर ही प्रोसेस बता रही है। तो व्याख्यान भी नहीं है ये किसी टॉपिक पर, क्योंकि ये एक तरह से प्रक्रिया बताई जा रही है, एक स्टोरी हम कह सकते हैं। तो जब एक स्टोरी के थ्रू कुछ बताया जाता है, एक प्रोसेस बताया जाता है सीक्वेंशियल, तो उसे हम नरेशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल स्टडीज़ टीचर शुड गिव एम्फेसिस ऑन। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, तो किस पर बल देना चाहिए? तो देखिए जो विषय से संबंधित सूचना देने पर है ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ विषय से संबंधित सूचनाएं देना शिक्षक का काम नहीं होता है। विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना, तो सेकंड ऑप्शन हम कह सकते हैं वो। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए सोशल स्टडीज़ की, तो सोशल स्टडीज़ बेसिकली जुड़ा होता है सामाजिक मुद्दों से ही, जो हमारी सोशल लाइफ होती है उसी से जुड़ा होता है सामाजिक अध्ययन। हम समाज का इसमें अध्ययन करते हैं, कैसे समाज में एडजस्ट करना है, कैसे समाज में हमें मतलब चीज़ों को सीखना है, चीज़ें सीखें या फिर एडजस्ट करें, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं वो सोशल लाइफ से रिलेटेड हमारी। और जो भी सामाजिक मुद्दे होते हैं उनके प्रति हम चिंतन कर सकें, थिंकिंग पावर डेवलप करना सोशल इश्यूज़ के प्रति, तो ये होता है बिल्कुल, इस पर बल देना चाहिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए तैयार करना भी कभी हमारा उद्देश्य नहीं होगा। और भाषा के विकास पर भी इसमें, क्योंकि सोशल स्टडीज़ में भाषा के विकास पर भी नहीं बल देंगे हम, तो ये तो लैंग्वेज की क्लास में होगा। वैसे तो लैंग्वेज हर सब्जेक्ट में ज़रूरी है, हर सब्जेक्ट में काम आती है, लेकिन हमसे बात की जा रही है हमें किस पर बल देना है सोशल स्टडीज़ की, कि टीचर को किस पर बल देना है। तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर अगर कोई होगा तो वो होगा सेकंड ऑप्शन। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस इज़ यूजफुल इन सोशल स्टडीज़ टीचिंग फॉर। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। तो अगर हम विजिट करते हैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस का, तो उसका विजिट करना हमारा क्यों ज़रूरी है? तो देखिए विषय के प्रति रुचि पैदा करने में बिल्कुल, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इससे इंटरेस्ट क्रिएट होगा बच्चों का सब्जेक्ट में, क्योंकि वो लाइव चीज़ों, मतलब अपनी आँखों से प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखेंगे। तो सेकंड ऑप्शन भी हो जाएगा प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, सामने से वो देख पाएंगे, कुछ बताना नहीं होगा, स्टोरी के थ्रू अगर समझेंगे तो कुछ चीज़ें याद रहेंगी, कुछ भूल जाएंगे, विषय वस्तु की बेहतर समझ में, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट, तो ये भी होगा, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है जब हम किसी भी चीज़ को सामने से देखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ करेक्ट, क्योंकि उपरोक्त सभी ऑप्शंस सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम्स लेसन प्लान इज बेस्ड ऑन।
ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन एक आया था उसमें भी बात की थी, तो ब्लूम के जो टैक्सोनॉमी है वो आधारित है ऑब्जेक्टिव्स पर, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों पर। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोजेक्ट इज दैट पर्पजफुल वर्क विच इज़ डन विद कम्प्लीट डिवोशन इन द सोशल एटमोसफियर, दिस स्टेटमेंट इज दैट फॉर ऑफ, किसका ये स्टेटमेंट है कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता से के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। तो प्रोजेक्ट वर्क की अगर बात की जाए तो ये है किलपैट्रिक का कहा हुआ, और इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड भी दिया था, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सोशल स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इवेल्यूएट स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो डेवलप करता है स्टूडेंट्स की, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टाइप है क्वेश्चन का? तो देखिए इसमें बात की जाए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, तो इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑप्शंस दिए जाते हैं चार या कितने भी, और उसमें से आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो ये तो स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा नहीं देगा क्योंकि ये तो आंसर तो सामने दे दिए हैं, उसमें से बस सेलेक्ट करना है। लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा, शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट ये भी नहीं होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी नहीं होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा बच्चा मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं सोच पाएगा। तो सबसे बेस्ट इसका होगा ऑप्शन एसे टाइप टेस्ट, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, क्योंकि निबंधात्मक प्रकार की जो परीक्षा होती है उसमें हमें बच्चों के विचार जानने को मौका मिलता है, उसमें वो अपने जो इंडिपेंडेंट सोच है उसे वो रख पाता है, उसे एक्सप्रेस कर पाता है और इन डिटेल वो अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है। तो एक तरह से हम बी ऑप्शन को इसमें सही मानेंगे, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रबी क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी क्रॉप को हम विंटर क्रॉप भी कहते हैं, सर्दियों में ही उगाई जाती हैं। तो इसमें आती है आपकी गेहूँ, मटर, चना, सरसों, तो इस तरह की जो फसलें होती हैं जो सर्दियों में उगाई जाती हैं वो कहलाती हैं रबी क्रॉप। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सदिया टू धुबरी स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इज कनेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इनलैंड नेशनल वाटरवेज। तो नेशनल वाटरवेज आप जानते ही होंगे, जो हमारे इंडिया के अंदर ही जो वाटरवेज बने हुए हैं, जलमार्ग जो बने हुए हैं, जल के थ्रू हम यात्रा करते हैं, नदियों के थ्रू ही होता है ज़्यादा तो इंडिया के अंदर, तो उसे ही हम बोलते हैं नेशनल वाटरवेज। अब नेशनल वाटरवेज जो है वो हमसे पूछा है कि सदिया टू धुबरी वाला जो वाटर मार्ग है ये कौन सा वाला वाटर मार्ग है, सॉरी वाटरवेज है, जल मार्ग। तो ये होगा सेकंड नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। अब ये जो जलमार्ग निर्धारित किए गए हैं इनके लंबाई के आधार पर निर्धारित करे गए हैं, जैसे कि जो नंबर 1 वाला है वो सबसे लंबा है, सबसे लंबा वाटर मार्ग है, वो वाटरवेज है। नंबर 1 जो है ये सबसे आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट है, मतलब सबसे नहीं ऐड करेंगे, लॉन्गेस्ट है ये इंडिया का, और ये है किस नदी पर? तो NW1 जो है ये है आपका गंगा नदी पर, और ये है हल्दिया टू प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था अब प्रयागराज है, हल्दिया टू प्रयागराज है ये, तो गंगा नदी पर है ये। गंगा के 3 नाम हो जाते हैं, भागीरथी भी रहता है पहले इसका नाम, फिर गंगा हो जाता है, फिर हो जाता है हुगली। तो इस पर ये बनाए गए हैं, तो हुगली इसकी ब्रांच है एक, इसका नाम नहीं है। तो ये इस नदी पर आपको मिलेगा
नेशनल वाटरवेज नंबर 1। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा सेकंड, सदिया से दुबरी हो जाएगा NW2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसिस। तो 2011 की जो जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, मतलब कितने जो मेल हैं वो पढ़े लिखे हैं भारत में, कितने परसेंट। तो इसमें अगर मेल की बात की जाए तो मेल का प्रतिशत होगा इसमें 82.14%, और अगर फीमेल की बात की जाए तो सेकंड ऑप्शन वाला है, लेकिन हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। और जो टोटल की बात की जाए तो टोटल है हमारा 74.04, जो लिटरेसी रेट हमारा जो ऑल इंडिया का है वो है 74। मेल फीमेल की अलग अलग बात की जाए तो फीमेल का हो गया ये वाला और मेल का हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंटर रेनफॉल इन इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ साइक्लोन्स विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। तो जो विंटर रेनफॉल होता है, सर्दियों में देखा होगा हमने जो वर्षा होती है सर्दियों में, वो कैसे होती है। तो वैसे तो नॉर्थ इंडिया में भी बारिश होती है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में होती है बारिश वो तो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। अगर आपने मॉनसून पढ़ा होगा अच्छे से तो पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है वो नॉर्थ इंडिया में होती है, और फिर ये एक बारिश होती है जो कि साउथ इंडिया में होती है तमिलनाडु तट पर, वो किससे होती है, वो चक्रवातों से होती है। ये होती है बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं उसके कारण ये बारिश होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। तो मॉनसून अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको समझ पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है द एरिया इन इंडो गैंगेटिक प्लेन वेयर इंटरनल चैनल्स री इमर्जेस इन इज लोकली नोन एज। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रभाव पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है। देखिए मैं इस चीज़ को आपको समझाना चाहूँगी कि ये क्या चीज़ है, इन आंतरिक प्रभाव पुनः प्रकट होती है मतलब क्या है। देखिए जब जो नदियाँ हैं, वैसे बेसिकली ये नदियाँ हैं सिंधु और गंगा की नदी के बारे में बेसिकली बात करें तो ये कई जगह से बहती हैं। मान लीजिए यहाँ पर हिमालय है, हिमालय पर्वत है, तो हिमालय से ही निकल रही हैं। तो हिमालय का जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे आती हैं, तो जैसे ये पहाड़ों से नीचे के जब ये मैदान में पहुंचने वाली होती हैं उस जगह पर क्या होता है, वहाँ पर काफ़ी पथरीला रास्ता होता है, तो बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे इस तरह के बड़े बड़े पत्थर। तो जो ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं यहाँ पर क्या होती है, नदी विलुप्त तो हो जाती है, मतलब ये दिखाई नहीं देती है, इसके नीचे से बहती होगी पानी, इसके इन पत्थरों के नीचे से निकल जाता होगा, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगी, आपको लगेगा यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन वैसे जो रियलिटी क्या होती है, नदी जो है इन पत्थरों के बीच से निकल जाती है और पता नहीं चलता क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है भाबर प्रदेश दिया हुआ है ना ये वाला है भाबर प्रदेश। और इसके बाद वाला क्या होता है, अब जब ये पत्थर वाली जगह ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पर एक एरिया आता है, तो यहाँ पर क्या है, नदी एकदम से इसका बहाव तेज़ हो जाता है और यहाँ पर हमेशा नमी बनी रहती है इस वाले एरिया में जो हमेशा नमी बनी रहती है, तो इसलिए इसको कहते हैं तराई का क्षेत्र। तो हमसे पूछा गया है कि जहाँ से आंतरिक प्रभाव पुनः प्रकट होती है, तो मतलब यहाँ पर तो विलुप्त हो गई थी नदी, तो यहाँ पर ये प्रकट हो गई, तो ये तराई का क्षेत्र आ जाएगा इसमें आंसर, इसका तराई प्रदेश ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ये नहीं होगा, ये मैंने बस आपको बताया था। इसके बाद ये मैदान में आ जाती है नदी, तो इसका आंसर होगा तराई प्रदेश। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से नदी बहती है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्सेज इज क्रेडिटेड टू ट्रिगर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है। तो जो आज का जो औद्योगिकरण है
उसको जो आप देखते हैं उसका उसका मतलब जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, किस ऊर्जा संसाधन के द्वारा हुआ है, तो ये हुआ है कोयला के द्वारा, क्योंकि हमारे ज़्यादा इंडस्ट्री में ज़्यादातर कोयले का यूज़ होता है, इसलिए इसको ही माना जाता है ये आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय मतलब इसको ही दिया जाता है, कोयले को। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड केमिकल फर्टिलाइज़र फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब देखिए, जो आपने देखा होगा आजकल मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए भी हानिकारक होता है और जानवरों के लिए भी हानिकारक होता है। तो इसको बैन कर दिया है एक स्टेट ने, तो ये बहुत अच्छा काम किया है इसने, ये काम किया है सिक्किम ने। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट वॉज इस्टेब्लिश्ड विद द टेक्निकल कोलेब्रेशन ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के कोलेब्रेशन से एक प्लांट विकसित हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था यहाँ पर स्टील और आयरन प्लांट, तो वो कौन सा है उसका नाम बताना है, तो ये हुआ था दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर स्टील प्लांट। सो बी क्वेश्चन इज, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोटोरियस फॉर बैडलैंड। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। तो कुख्यात मतलब होता है जो किसी बुरी चीज़ के लिए फेमस हो, मतलब जिसे बुरी चीज़ के लिए जाना जाता है। फेमस तो होता है जिसे किसी अच्छी चीज़ के लिए जाना जाता है, प्रख्यात जिसे बोलते हैं हम, प्रसिद्ध भी बोलते हैं, लेकिन कुख्यात हम बोलते हैं जो किसी बुरे काम के लिए प्रसिद्ध हो, मतलब फेम क्या बोलते हैं उसको, फेमस, हाँ फेमस ही कहेंगे उसको, बोलते हैं कुख्यात। तो ये बैडलैंड के नाम से क्यों प्रसिद्ध है, मतलब ये ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। तो ये ऑप्शन है चंबल नदी, तो चंबल नदी फेमस है बैडलैंड के लिए, क्यों है, क्योंकि आप चंबल नदी के कटाव के कारण, ये ज़्यादातर एमपी में मिलेगा आपको इसका रीजन, तो चंबल नदी जहाँ जहाँ बहती थी पहले वहाँ पर आपको एक बीहड़ जैसा मिलेगा, मतलब जंगल जैसा ना, तो पर जंगल भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर, वहाँ पर आपको ऊबड़ खाबड़ ज़मीन मिलेगी। आपने शायद मूवीज़ में भी देखा होगा जहाँ पर डाकू वगैरह रहते थे, तो ऐसे जगह मिलेगी आपको, तो वहाँ पर काफ़ी बुरे काम भी हुए हैं, तो इसीलिए इसे बैड लैंडिंग बोला जाता है। तो चंबल नदी ने जिस जिस जगह को मतलब कि अब वहाँ से नदी बहती तो नहीं है, लेकिन उसने ज़मीन को काट दिया था, तो वो एरिया कुछ इस तरह का ही हो गया है, बंजर सा, बिल्कुल बंजर सा और वीरान सा, और वहाँ पर काफ़ी बुरे काम हुए हैं, मतलब कि डाकू वगैरह रहते थे तो बुरे काम होते थे वहाँ पर, तो इसीलिए इसे बैड लैंड कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। द हैबिटेट ऑफ याकूत ट्राइब इज, तो याकूत ट्राइब है एक जनजाति है याकूत, इसका हमसे मतलब वास्य स्थान पूछा है जहाँ पर ये रहती है, तो ये रहती है उत्तरी साइबेरिया में, नॉर्थ साइबेरिया में, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। घग्गर प्लेन इज सिचुएटेड इन, घग्गर का मैदान अवस्थित है, तो घग्गर का मैदान हमें बताना है कौन से जिलों में ये अवस्थित है। घग्गर का मैदान होगा मतलब बेसिकली घग्गर एक नदी का नाम है, और नदी जहाँ जहाँ बहती है, मान लो नदी ये पहले यहाँ पर बहती थी, अब इसने रास्ता इधर को बदल लिया, अब यहाँ नहीं बहती है ये, यहाँ नहीं बहती है, और मतलब यहाँ बहती नहीं है, और अब यहाँ पर बहती थी कुछ टाइम पहले, अब ये यहाँ पर बहती है, अब ये भी जो ये जो सब एरिया जो होता है ना इसका, मतलब जो जहाँ पर ये बही है, ये सब इसका मैदानी भाग कहलाता है, भले ये वहाँ बहती ना हो, ये जहाँ जहाँ ये बही है, तो अब वो जो मैदानी भाग है इसका वो हमें बताना है कौन कौन से ज़िलों में अवस्थित है। तो ये है गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सॉरी ए ऑप्शन है गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल ऑफ राजस्थान वॉज इस्टेब्लिश्ड एट, तो जो प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था वो कहाँ पर हुआ था,
तो अगर वस्त्र उद्योग की बात की जाए फर्स्ट राजस्थान का, तो ये हुआ था ब्यावर में, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान रिकॉर्डेड लोएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो लोएस्ट डिकेडल कहेंगे हम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की सबसे कम रही, दशकीय होती है 10 सालों में, तो 10 साल से मतलब 2011 से पहले के जो साल थे, 2011 से पहले जनगणना कब हुई थी 2001 में, इसके बाद 2011 में हुई है, तो ये जो टाइम पीरियड रहा है 10 सालों का रहा है ये, इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी वृद्धि दर रही है किस ज़िले में सबसे कम रही है, सबसे कम न्यूनतम मतलब सबसे कम, तो ये रही है गंगानगर में, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर 2017 का, मैं जितना एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकती थी वो मैंने दी, और बाकी के क्वेश्चन पेपर भी हम करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।